कुछ ऊट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची कुछ ऊंची ऊट की पूछ कुछ ऊट ऊंचा कुछ ऊट ऊंचा कच्चा पापड़ पक्का पापड़ अच्छा जल्दी जल्दी कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पक्का अच्छा नहीं एक और था ना कैसा था यार नहीं आ रहा है चंदुक चाचन चंदुक चाचिक चांदनी रात में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई चांदी चम्मच से चटनी चटाई चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी चम्मच से चटनी चटाई चांदू के चंदा अच्छा देखो पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला चलो पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला पपीता पीला पीला पीतल के पपीता पके पेड़ पे पका पपीता पका पेड़ या पका पपीता पके पेड़ को पिंकू पकड़े पका पपीता चलो बोलो मैम की अम्मा चलो पके पेड़ पे पापा पका पपीता पका पपीता पके पेड़ को पिंकू पकड़े पके पेड़ को पिंकू पकड़े पिंकू पकड़े पका पपीता पिंकू पकड़े पानी डाला थोड़ा सा और एक मक्के करीब और प्याज डाला और थोड़ा सा गोल मिर्च डाला और बस इसको बॉईल के लिए अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दिया और ये हमने मसाला पीसा जिसके इंग्रेडिएंट्स सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मसालों को अच्छी तरह से भून लिया और प्याज मैंने पहले से ही फ्राई करके निकाला हुआ था तो बस उसको भी मैंने पेस्ट बना करके अच्छे से मतलब रफली पेस्ट बनाया था एकदम थिन सा पेस्ट नहीं बनाया उसको भी डाला और मसाले को अच्छी तरह से भून के बस इसमें जो मैंने बॉयल किया हुआ पाए को रखा हुआ था तो बस उसको ऐड किया और अच्छे से इसको भूना। जितने अच्छे से आप इसको कुक करेंगे उतना ही टेस्टी ये बनेगा। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने इसको भूना और ये देखिए माशाल्लाह कलर कितना गजब का आया हुआ था। और मैंने थोड़ा सा कोतबीर डाला, नासिर को कम पसंद है तो इसलिए थोड़ा ही डाला और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत यम्मी बना हुआ था। थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का मैंने बनाया था तो आज बहुत अच्छा बना। और ये देखिए फिर हो गई थी अगले दिन की सुबह और ये फिर घर से आई थी तो मलाई रखा हुआ था तो घी नहीं निकाल पाई थी तो आज मैंने सारा घी निकाला। और ये कर्टन जो मैंने वॉश किया हुआ था तो बस ये नासिर से बोला कि आज इसको भी फिक्स कर दीजिए आज इसका भी दिन आ जाएगा। और वो ब्लू वाले कर्टन्स हो गए थे खराब तो नासिर से बोला मार्केट से दो लेते हैं ग्रीन वाले के मैच का। तो ये देखिए ग्रीन का मैच ब्राउन लेकर के आए हुए थे। आप लोग बताइए कहाँ से आप लोगों को ग्रीन कलर का नजर आ रहा है। जो भी है अच्छा लग रहा था नॉट बैड बालकनी के हिसाब से ठीक ही था। जल्दी आप फिक्स ही कर दीजिए तो बेहतर होगा। और फिर आज देखिए बन रहा था ये आप लोग गेस कर ही सकते होंगे विंटर डिमांड्स होती है ये पालक की पकौड़ी बन रही थी और बैगन की पकौड़ी बन रही थी तो मैंने बैटर रेडी कर दिया था सब कुछ। तो बस अब खाने का वक्त हो गया था तो मैं आई जल्दी से किचन में और बस इसको जल्दी से मिक्स कर दिया। मैं पकौड़ी वगैरह का जब बैटर बनाती हूँ तो उसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करती क्योंकि पालक में अपना ही मॉइस्चर होता है तो उसको अच्छे से बस रब कर दीजिए खुद ही वो इतना मॉइस्चर होता है कि आराम से आपका बैटर रेडी हो जाएगा। और फिर जल्दी जल्दी से मैंने ये भजिया स्टार्ट कर दिया बनाना और ये पहले बैगन वाला बनाया उसके बाद ये पालक वाली बनाई। इतनी क्रिस्प बनी थी मैंने स्प्रिंग अनियन का भी यूज़ किया था तो काफ़ी यम्मी डिलीशियस सा बना था बहुत क्रिस्पी पकौड़ी थी मज़ा आ गया था खा करके। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी से गए लेकर के और ये देखिए सर्व हो गए ग्रीन चटनी मैंने पहले से बनाई हुई थी। तो बस ये देखिए इनाया भी माशाल्लाह शौक से खाई इनको भी अच्छा लगा वैसे इसको क्रिस्पी चीज़ें पसंद आती है तो बस इसने खाया। और फिर क्या था
अगले दिन की सुबह देखिए ये फिर लगी हुई थी। एक्चुअली ये दो तीन रोज का व्लॉग मैं एक दिन में करके बताया क्योंकि आजकल ज़्यादा प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा था। और फिर नाशिर ने बोला कि ठंडी आ गई, अभी तक तुमने बनाया नहीं टमाटर वाले, चाहे तो व्लॉग अच्छा बनाए लेते। तो ये 250 ग्राम करीब का टमाटर था जिसको मैंने बस रखी चॉप करके भगोने में डाला और चीनी डाला और चढ़ा दी अच्छे से। ये जब गल गया तो इधर देखिए मैंने पचफोरन को लिया और उसको हल्के से रोस्ट किया, उसमें थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च डाला और उसको क्रश करके बस रख लिया। अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा तीखा कर सकते हैं, तो बस ये अपने हिसाब से कर सकते हैं आप लोग। और इसको जल्दी से क्रश करके अच्छे से इसको एक स्पून के करीब मैंने डाल दिया। तो बाद में मुझे थोड़ा और लगा कि और होना चाहिए तो थोड़ा सा मैंने और डाल था। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, वैसे फूड कलर का मैंने यूज़ भी नहीं किया, इतना यम सा बना था। अगर आप इसको आलू के पराठे के साथ खाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, वैसे सादे पराठे के साथ या दाल वगैरह के साथ भी ठंडी में बहुत मज़ा आता है। आप लोग बनाते हैं कि नहीं घर में ये वाली चटनी ज़रूर बताइएगा। नाशिर को तो बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए अभी थोड़ा सा बनाए, क्योंकि ये होता है कि मैं इकट्ठा कोई चीज़ बना दो तो उतना नहीं अच्छा लगता, थोड़ा थोड़ा करके बनाओ तो सही रहता। तो ये बस एक बहुत था, फिर भी बचा हुआ था काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा था, क्योंकि दो लोग हैं तो कितना खा सकते हैं। लेकिन देख सकते हैं आप लोग इसका कलर देखिए कितना प्यारा सा कलर था। और फिर क्या थी, हम लोग खावा के सो गए और ये देखिए अभी तक मेरी भैया सो रही है और आज है जुमा, तो बस जुमा के दिन इनाया देखिए अभी तक सो रही है। चलिए अपने सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इनाया सो रही थी अभी तक और बज रहे थे 9, तो बस चलते हैं अब हम अपनी किचन की ओर। और आज मैं बना रही थी ये देखिए, सो इमली को मैंने भिगो करके रख दिया था और फिर जुमा का दिन था तो जुमा इज़ अ बिरयानी डे, तो जल्दी जल्दी से मैंने बिरयानी बनाया हुआ था। नमाज़ पढ़ा, बहुत कुछ था तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बस खाते वक्त का शूट कर पाए थे। तो बस ये देखिए कबाब ही अम्मी से अम्मी ने भेजा था और ये देखिए बिरयानी बहुत ही सिंपल सी बनी थी, जैसे पहले नहीं बनता था यखनी वाला वैसे ही बिल्कुल बनाया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा। थैंक यू कुछ मेकअप भी लगाना अपने बचपन में जी लेती हूँ, लगता है बच्चों के साथ बच्चा बन जाओ और खुद भी वही एंजॉय करो। ये देखो यम्मी बचपन की याद आ गई थी। और फिर हमारे आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम है कि जो जन्नत में जाता है वो वहां से सीधा अल्लाह भी से खुश होता है। अपना वो दिखा दो जो बनाया है, देखो खाना भी हम बनाए, बर्तन भी हम धोए, बात भी हम सुने और ये कहते हैं कि सारा दिन तुमने क्या किया क्या किया क्या किया। तो मैंने उसमें तब्दीली कुछ इंग्लिश से सॉफ्ट करके रखी हुई थी, मैंने इसलिए सोचा कि चलो जल्दी जल्दी चटनी बना लेते हैं। अगर आलस आ जाता है तो फिर आ ही जाता है, तो बनाने का मौका नहीं मिलता और फिर हो गई रात। रात में कोई पिस्ता खाता है? हमको भी दो, ये लो सारा पिस्ता दे दे ना, खोल कर दो। सो आज मेरी फिर से लग गई थी मेहंदी, कैसी लगी आप लोग को हमारी डिजाइन जरूर बताइएगा। और आजकल इनाया नहीं सब्सक्राइब मांग रही है, थैंक यू। दिन भर कहानी खेलती हो, रात को खेलने का समय होता है, चलो सो सुबह देर तक सोती हो। मीठा कुछ है? क्या जहर दे, चलो अभी पी ली। हाँ चलो, चलो मीठा कुछ दो। झापड़ दूँ क्या? झापड़ दूँ मीठे में? झापड़ जहर जहर है दे। आ
ठंडा ठंडा कूल कूल मेरा कितना ठंडा है आहा ठंडा ठंडा कूल कूल वाह भाई मजा आ गया उम्मा पापा कैसे करते हैं चलो चलो सुसु करने चलो पापा क्या है ना बल्लू और तुम क्या है हम छोटा और हम अब बगीरा हाँ, बगीरा ही कहती है हम बगीरा है नहीं हम है मोगली और इसमें बगीरा और इधर बलू मोटा पेट वाला बलू और किधर छोटे छोटे दांत दिए है जहर के दांत दिए है क्या जहर क्या होता है जहर क्या दूध का जहर दूध का जहर होता है उसे कभी पीना मत जहर रहता है तो क्या रहता है जहर वो भी दिमाग चल नहीं रहा है अच्छा दिमाग नहीं चल चलाओ भैया दूध में बहुत ज्यादा वो सब भरे रहते हैं क्या सब भरे रहते हैं एकोमी ये क्या होता है यम्मी यम्मी जो दूध हम लोग गाय का पीते हैं गाय का नहीं पीती तुम भैंस का पीती हो भैंस मम्मी गाय भैंस सब अरे देखो तो बड़ा है हम तो एक्सरसाइज करने का जुम्बा क्लासेस करोगे जुम्बा जुम्बा क्लासेस क्यों खा लो तो सीखे चलो क्या कह रही मैं आप पे जीने भी नहीं दूंगी इतना देर से सोने नहीं दूंगी जीने नहीं दूंगी आपको तो ऐसे 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 करके उनको मैं लटका दे किसको उनको चालू करके उनको करंट लगा दे काहे भैया इतनी बड़ी बड़ी बात काहे कह रही है आखिर क्या किए तुम कुछ नहीं आप सोए चाहते हो सोए नहीं दिख रही है तो भैया आपको सोने नहीं दोगे हमारी बात लग जाएगा क्या हुआ इनाया रुको इनाया क्या बात है बताओ हमको बताओ मैं मम्मी बता मम्मी बता हाँ यहाँ पर ढकेल दिए थे कहाँ ढकेले तुम क्यों ढकेले थे पहले बताओ तो बात तो बताओ मम्मी बतिया बताते हाँ जीने नहीं थे कि बस बात करता अरे अरे सुई लग गया है क्या ओ तो ये देखिए इस पे लिखा है हैप्पी बर्थडे इनाया और इस साइड से मैं हूँ ये कहाँ हो मैं इस फोटो में हाँ यार देखो मैं कितनी एक बॉक्स पहनी हूँ और ये मैंने इंस्टाग्राम के टिकट बॉक्स में से लिया था कहाँ से लिया था इंस्टाग्राम के इंस्टाग्राम के बॉक्स में से लिया था इसे पियोगे और जल्दी सब सो मैं बॉक्स में से लिया था डिस्क्रिप्शन मैं एक लिंक है वहाँ पर से खरीदा था मैंने अरे मतलब दुद्दा अब मैं जल्दी से इसे मिक्स कर लेती हूँ नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा तो मम्मा को फिर से जाना होगा गर्म करने के लिए जल्दी चलो बस मिक्स हो चुका है बस करिए जल्दी दीजिए फोन हमें दीजिए जल्दी से फिनिश करो और सोना नहीं है क्या 10 बज रहा है अल्लाह मां बाइक लेना फ्री वो जितना मैं हूं चलो चाय पी रही होगा कैसे कहती है जो कुछ अच्छा बना होता है ना कैसे कहती है चलो अच्छा पी लो और हम लोग चलते हैं सोने के लिए बस इनाया जल्दी से सो ही जाएगी पी के अल्लाह हाफिज हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय और सुबह भी व्लॉग करना मम्मा ओके मेरी